रात करीब 9 बजे विक्रमानगर ब्रिज के पास इनामी बदमाश अनमोल गुर्जर निवासी चीमनगंज मंडी थाना क्षेत्र और उसके एक साथी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से फायरिंग हुई जिसमें पुलिस की गोली गुंडा अनमोल गुर्जर के पैर में जा लगी। वहीं उसका एक साथी को पुलिस ने दौड़ा कर पकड़ा। दोनों का उपचार जिला अस्पताल में कराया गया। मामले में उज्जैन ASP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने जानकारी देते हुए बताया कि माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि कुछ लोग विक्रम नगर ब्रिज के पास कुछ लोग राहगीरों को लूट के इरादे से रोक कर धमका रहे हैं। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां दागना शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाशों को दबोच लिया गया। पकड़ाए बदमाश अनमोल गुर्जर चीमनगंज व माधवनगर थाना का इनामी बदमाश है तथा इस पर 5 व 2 कुल 7,000 का इनाम था जो फरार चल रहा था। वही बदमाश के विरुद्ध चीमनगंज मंडी में 10 गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। गौरतलब है कि शहर में चारों ओर 2016 में बने बाईपास रोड नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। गुंडा तत्व इन क्षेत्रों में अंधेरा होते ही सक्रिय हो जाते हैं एवं मौके की फिराक में रहते हैं। थाना प्रभारी माधवनगर मनीष लोधा को एक सूचना प्राप्त हुई थी लगभग 9 बजे के आसपास का घटनाक्रम है, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश ऐसे हैं जो विक्रम नगर पुल के पास कुछ लोगों को धमका कर उनसे लूटपाट की कोशिश कर रहे हैं। इस पर थाना प्रभारी मनीष लोधा और उनकी टीम यहाँ पहुंची और जब यहाँ पहुंचे तो उसने जो बदमाश है वो उनको देखा तो जैसे ही गाड़ी से उतर के उनको ललकारा कि कौन है, तो उस पर जैसे ही चेस की उनको ललकारा उसी दौरान ही उनके बदमाश के एक बदमाश द्वारा गाड़ी पे फायर किया गया और उसके बाद इनको चैलेंज किया गया तो इन्होंने फिर एक दोबारा एक फायर और फायर, इसमें से 2 फायर किए। उसमें पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। जवाबी फायर में एक बदमाश जो है उसको गोली लगी, पैर में गोली लगी है। दूसरा पैर जो बदमाश है उसको पुलिस ने दौड़ के पकड़ लिया है। बदमाश को तत्काल ही भेजा गया है, इसलिए इसमें उसका इलाज शुरू हो चुका है। हमारे पास जो इसकी जब इनसे पूछताछ हुई और जो एक बदमाश हमारे पास है जिसे मालूम पड़ा कि ये अनमोल गुर्जर नाम का एक बदमाश है जो थाना चिंगन क्षेत्र का रहने वाला है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, इसके लगभग 10 अपराध है और 2 अपराधों में ये ऑलरेडी वांटेड है। थाना चिमनगंज में एक अपराध है उसमें वांटेड था जिसको पुलिस के द्वारा 5,000 रुपए का रिवार्ड था। इसी तरह से थाना माधवनगर में भी एक प्रकरण है जिसमें उसके ऊपर 2,000 रुपए का रिवार्ड है। इस तरह से ये 7,000 रुपए का रिवार्ड है और जो दूसरा आरोपी है जिस है उस पर हम ये पूछताछ कर रहे हैं, तो जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि ये उसके साथ कैसे रहा। और अभी क्योंकि इस घटना का पूरी जो वैज्ञानिक साक्ष्य के हिसाब से एफएसएल टीम ने भी इसका किया है, बैलिस्टिक टीम भी इसमें करेगी, जांच करेगी और अभी हम CH हॉस्पिटल जाते हैं उससे और भी पूछताछ करेंगे कि इसमें ये घटना में कौन कौन लोग शामिल थे और इनके साथ इसका एसोसिएशन है। पूरी इसकी बारीकी एक पिस्टल अभी बरामद हुई है, तो आपने देखा यहाँ घटना समय ही मिली है, एक पिस्टल बरामद हुई है और उसमें 2 चूंकि राउंड इसकी तरफ से फायर हुए हैं तो उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं कि बाकी ये राउंड कहाँ गए हैं और पुलिस की भी जरूरत है 2 ही राउंड। जिसने जैसा बताया ना कि जैसे ही चैलेंज किया पुलिस ने, उसने जब फायर किया तो गाड़ी में सामने के शीशे से लगते हुए साइड का जो एक मिरर है उससे एक गोली निकली। नहीं, ऐसा की कोई गंभीर किसी चोट नहीं है क्योंकि दौड़ भाग के जो चोट लगी है, जैसे थाना प्रभारी माधवनगर को एक चोटें आई है उनका भी मेडिकल करा रहे हैं और हमारे जो बाकी पुलिसकर्मी टोटल 7 की एक टीम थी उसमें भी मेडिकल कराएंगे, पर किसी को कोई गंभीर चोट नहीं। उज्जैन से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट।